जी सुप्रीम कोर्ट से ये लाइव मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। मखसूस नशस्तों का केस जो कि आज एक्सपेक्टेड था कि उसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि काजी फायज ईसा की अदालत इस मामले को अभी मजीद लंबा खींचना चाहती है। ये भी आपको बताएंगे सर आगे चल कर के क्यों अभी तक केस खत्म नहीं किया जा रहा। आज भी केस खत्म हो सकता था, गुज़श्ता रोज़ भी केस खत्म हो सकता था, फैसला महफूज किया जा सकता था आज भी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके पीछे भी जो इतलात आ रही हैं वो यही हैं कि जो मेजॉरिटी है काजी फायज ईसा की वो अभी तक इस केस में नहीं बन पा रही, इसलिए शायद चीफ जस्टिस जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो नंबर है, जो उनकी जो मेजॉरिटी है वो किसी तरह पूरी हो जाए। हैदर शिराजी भी हमारे साथ मौजूद है कि किस तरह की रही है उसमें। मुझे ये लगा कि अटॉर्नी जनरल बहुत सारे सवालों के जवाब देने में नाकाम रहे हैं। वो कौन से सवाल आते हैं? जिसमें ये कि सुबह में अकलियतों की नशस्तें नहीं, दूसरा ये कि वो इस मामले को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरफ ले जा रहे थे, यानी कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहेंगे तो मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी, मखसूस नशस्तें तो पार्टी की तादाद के बुनियाद पर होती है, तो ये इस तरफ चलता हुआ केस मुझे लगा। तो बाकी राय कायम कर लेना, जस्टिस अतर मीनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा ए मलिक, ऐसा लग रहा है कि ये तीन जजेस तो मेंटली बिल्कुल क्लियर हैं और वो समझते हैं कि जो नशस्तें हैं वो पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए। ऐसा हमें भी आज लगा कि उनके सवालों से कि वो कहीं ना कहीं इसी के रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं। अब इससे मैं फिर कह रहा हूँ नतीजा में जजेस के मामला मैंने निकाला, नहीं, हम एक तासुर की बात कर रहे हैं। इससे मेरी राय ये बन रही है कि उन्होंने जो सवाल किए वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों की तरफ जा सकते हैं मुस्तकबिल में, ये मेरी राय। इस वक्त मौजूद है, ये देख लें सूरत हाल, तपती धूप है, लेकिन जर्नलिस्ट और पीटीआई की जो टीम है और वकला हजरात जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद हैं। आपने तफसील से सुना कि जो पीटीआई के मखसूस नशस्तों का केस है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और किस तरह से जो मखसूस नशस्तों का केस है मुसलसल उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स हम देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब अगले हफ्ते ये केस चला गया और अगर तब भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मेजॉरिटी नहीं बनती तो क्या होगा? क्या जो सूरत हाल है पीटीआई को ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मीनल्ला और जस्टिस आयशा जो हैं वो अगर ऐसे ही सवाल करते रहे और बाकी जो साइलेंट जजेज हैं वो भी अगर उनकी तरफ चले गए तो फिर उस सूरत में ऐसा लग रहा है कि शायद पीटीआई जो है वो अपनी नशिस्तें बचाने में